गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोगों? आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। अभी जो है मेरी योगा शोगा हो चुकी है और झाड़ू मैं पहले लगा चुकी थी और अब लगाऊंगी मैं पोचा। और पोचा बेसिकली सारे घर में लगाना है। पोचा लगाने के बाद ही मैं नहाऊंगी, नहीं उससे पहले मैं किचन का भी काम करूंगी क्योंकि वो भी पसीने वाला काम है, तो वो भी मैं अभी जो पोचा लगाने के बाद ये जो पानी है ये मैं प्लांट्स में डाल रही हूँ। और आज जो पोचे वाले पानी में ना कोई नमक या डिटर्जेंट पाउडर वगैरह ऐसा लाइजर वगैरह ऐसा कुछ नहीं डाला, तो इसलिए मैं जब सिंपल पानी से लगाती हूँ तो इस पानी को मैं प्लांट्स में डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। और अब जब सप्लाई का पानी आया ना तो एक से दो बाल्टी में ऐसे ही भर देती हूँ। स्टार्टिंग का पानी टंकी में नहीं डालती हूँ, तो इस पानी को मैं प्लांट्स में डाल देती हूँ। इससे कुछ तो मैं पोचे में ले लेती हूँ और कुछ मैं प्लांट्स में डाल लेती हूँ, तो ऐसे पानी वेस्ट भी नहीं होता है। मैंने अपने आप को ना घर के कामों में इतना ज़्यादा बिजी कर लिया है कि दाई बाई का सोचने का या फालतू की वाहियात की टेंशन लेने का मेरे पास समय ही नहीं होता है। तो आप भी अपने आप को बिजी करके अपने घर को मैनेज कर सकते हो। मैं अपने डेली रूटीन में अपने जो जीने का तरीका है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आपको पसंद आए तो जाते जाते लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। अब मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में थोड़ा दो चार बर्तन पड़े हैं तो वो साफ़ करूँगी। और जो चाय बनाई थी ना जिस पतीले में, उसी में ना वो जो पत्ती होती है ना, चाय की पत्ती होती है, उसको धो के और मैं प्लांट्स में डाल देती हूँ थोड़े पानी के साथ, तो ऐसे उनका खाद बन जाता है। बहुत ही बढ़िया प्लांट्स के लिए चाय पत्ती का खाद होता है, तो मैं उसी में डाल देती हूँ। तो आपके पास भी अगर प्लांट्स हैं तो सब्जी के छिलके, चाय पत्ती जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं तो उनको प्लांट्स में डालो, अंडे के छिलके जो उनको प्लांट्स में डालो, बहुत ही बढ़िया खाद बन के तैयार हो जाता है। तो बस मैं किचन का वही चीज़ मैं समेट रही हूँ। बीच बीच में ना जैसे पानी की प्यास होती है तो मैं पानी लगातार पीती रहती हूँ। तकरीबन दोपहर तक मैं 7-8 गिलास पानी पी लेती हूँ। तो अब किचन का काम हो गया है पूरा और अब मेरी आबारी आती है नहाने की, तो मैं बस वही काम करूँगी, नहाऊँगी, फिर आप लोगों से मैं बात करूँगी और मैं आप लोगों को बताऊँगी आज हमारे पास कौन आने वाला है, तो आगे चल के मैं आप लोगों से मिलवाऊँगी।
सारा हो चुका है और डेढ़ घंटा मैंने योगा किया है और अब मैं बना लाई हूँ अपने लिए चाय और ये लौकी की बर्फी है। ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। ये मूंग दाल है सॉल्टेड और ये लौकी की बर्फी है और ये चाय बना लाई। बेसिकली अभी है तो लंच का टाइम, लेकिन किसी को आना है और किसको आना है वो मैं जब वो आएंगे तब मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी। तो उनको मैंने फ़ोन करके मैंने बोल दिया है, मैंने कहा जितने बजे भी आओगे ना मैं लंच उसी टाइम करूँ। और आटा भी वो के रख दिया है और कल जो मैंने मिर्च की सब्जी बनाई थी वो रखी है, काफ़ी सारी रखी है और दही और लाल मिर्च की चटनी। मैं अभी लंच कर लेती तो उसके साथ मैं लंच नहीं कर पाती और बेसिकली मेरे को उसी के साथ लंच करना है, तो इसलिए मैं अपने लिए चाय बना लाई हूँ, नहीं तो ये कोई चाय का टाइम था। तो मैं और अभी नहाके निकली थी तो बड़ा ही ड्राई ड्राई फेस हो रखा है, तो मैं लगा लेती हूँ मॉइस्चराइजर। और आजकल दिन में कोकोनट इसलिए नहीं लगाती हूँ, कोकोनट ऑयल या देखो कौन आ गया, मैं किससे मिलवाने के लिए बोल रही थी। ये देखो ये कौन आ गया। अब मैं बनाऊंगी लंच, रोटी नहीं खाई है हाँ, तो इसलिए तो अभी चलते हैं किचन में। ये मैं क्या कर रही है, तू किसने ये गंदा की तोड़ा? गंदा आपको लग नहीं रहा, ये दिख नहीं रहा। पानी लेगी? यस प्लीज। तो जी अभी टाइम 4 बजे के आसपास का हो गया है और अभी हम करेंगे माँ बेटी लंच और इसी का मैं वेट कर रही थी। तो होता ना बच्चे जब जिस दिन आने होते हैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो इसी के लिए मैं वेट कर रही थी। और अभी हम खाना खा लेते हैं और मैं अब इसके बाद बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ, तो इसलिए आप लोगों से मैं यहीं पे ही विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक और नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है और खुश रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, सेफ रहना है। हर भाई मौसम चेंज हो रहा है, अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है।